नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। आज मैं बात करूँगा स्टेज परफॉर्मेंस से पहले और स्टेज पर परफॉर्मेंस देते समय आपने किन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है, आज इस विषय पर मैं बात करूँगा। देखिए, इस विषय से संबंधित एक और वीडियो, बहुत अच्छे तबला वादक कैसे बने, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको बहुत सारा ज्ञान भी हासिल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टेज पर परफॉर्मेंस देने से पहले आप अपने तबले को ट्यून जरूर कर लें। इससे क्या होगा, स्टेज पर जब आप चले जाते हैं, देखिए एक तो आपका समय बच जाएगा और दूसरी बात यह, अगर आपका तबला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसकी ट्यून हो जाती है तो आप कुछ सेकंड में ही उसको ट्यून कर सकते हैं। तो पहली बात ये कि आपने ट्यून करके ही, तबले को ट्यून करके ही स्टेज पर जाना है। तो दूसरी बात, देखिए जो तबला वादक का पहरावा है वो तबला वादन में विशेष महत्व रखता है। आपने कभी भी टाइट कपड़े डालकर स्टेज पर नहीं जाना है, जिससे क्या है कि आपको बहुत सारी मुश्किल तबला वादन में आ सकती हैं। तो इसलिए आपने हमेशा खुले कपड़े डालने हैं। आपने देखा भी होगा जो तबला वादक होते हैं वो खुला कुर्ता पैजामा डालते हैं, जिससे देखिए एक संगीतकार की सादगी भी झलकती है। तो इसलिए आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि तबला वादन से पहले आपने खुले कपड़े ही डालने हैं और तबला वादन देते समय आपने खुले कपड़े डालने हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम तबला वादन में ना हो। तीसरी बात, देखिए जब आप स्टेज पर चले जाते हैं, जो आपकी बैठने की जगह है, जिस जहां पर आपने बैठकर तबले की परफॉर्मेंस देनी है, तो वो भी विशेष महत्व रखती है। देखिए, अगर आप किसी सितार प्लेयर या किसी हारमोनियम प्लेयर या किसी गीतकार या फिर किसी गायक के साथ तबला बजा रहे हैं, तो आपका ध्यान उस गायक की तरफ या उस सितार प्लेयर या किसी भी वाद्य के प्लेयर जो जिसके साथ आप बजा रहे हैं उसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत सारी बातें हमारी आंखें ही कर देती हैं कि यहाँ पर उसने ये परफॉर्म करना है या ये चीज़ लगानी है जो आप भी एकदम लगा सकते हैं। तो इसलिए आपका जो ध्यान होना चाहिए वो आपके जो संगतकार हैं या आप जिसके साथ परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसकी तरफ भी होना चाहिए। तो ये बात भी आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। देखिए चौथी बात ये है कि आपने स्टेज पर जब आप चले जाते हैं तो आपने, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने साउंड सिस्टम को सेट करवाना है। देखिए, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है अगर उसकी आवाज बहुत अच्छी होगी तो देखिए जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी, अगर आप किसी के साथ भी बजा रहे हैं या तबला सोलो भी दे रहे हैं, वो आपकी बहुत अच्छी होगी। देखिए, साउंड सिस्टम विशेष महत्व रखता है किसी भी वादन की सोलो में या परफॉर्मेंस में। तो इसलिए आपने साउंड सेटिंग करवा लेनी है स्टेज पर जाने के बाद। और जब मान लीजिए आप किसी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो एक बार उसके साथ एक ट्रायल भी ले लेना है कि आप कुछ परफॉर्म कीजिए और मैं आपके साथ बजाता हूँ। उस ट्रायल में क्या होगा, देखिए जो सारा साउंड सिस्टम है वो भी चेक हो जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। तो ये बात भी आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। देखिए, एक और बात, अगर आप अपने साथ एक छोटा सा टॉवल या फिर एक अच्छा रुमाल टॉवल जैसा हो वो आप अपने साथ हमेशा रखें तबला परफॉर्मेंस देते समय। उससे क्या है कि अगर जब आपको पसीना आ जाए तो आप उस टॉवल से या उस रुमाल से अपने पसीने को साफ कर सकें, इससे आपका तबला जल्दी ख़राब नहीं होगा और आपकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी। देखिए, कई बार क्या होता है, अगर हमारे पास रुमाल ना हो, ये भी हो जाता है कि जो हमारे तबले की टोन है वो नीचे चली जाती है, ट्यून है वो नीचे उतर जाता है तबला। तो इसलिए आपने इसका भी विशेष ध्यान रखना है। एक और बात, देखिए जो आपका संगतकार है, अगर मान लीजिए आप सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो आपके साथ उसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस किसी संगतकार या किसी गायक या किसी के भी साथ अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने के बाद ही अच्छी होती हैं। इसलिए आपने प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है तबला परफॉर्मेंस देने से पहले उस संगीतकार गायक या किसी सितार प्लेयर या किसी हारमोनियम प्लेयर किसी के भी साथ जो आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं,
उसके साथ आपने प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप इन बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जाएगी। तो इससे क्या है कि जो सुनने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा आनंदित होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर दबा लें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं मेरे चैनल पर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप संगीत के परिवार से जुड़ते रहें और ये संगीत का जो सारा परिवार है वो आगे बढ़ता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने एक नए विषय के साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तो धन्यवाद।